हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपके साथ में कुछ जो डेली यूज में जो वर्ड्स आते हैं और कुछ नए वर्ड्स जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे वो डिस्कस कर रही हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट वर्ड है हमारा वो है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी। जैसे अगर किसी जिद्दी किसी भी इंसान को आपको डिस्क्राइब करना है तो यू कैन से दैट ही इज़ वेरी ऑब्स्टिनेट। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज स्मोक। स्मोक का मतलब होता है एक बनावटी हंसी। जैसे कोई मतलब हंस नहीं रहा लेकिन दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो हंस रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड स्मोकिंग। ओके, नेक्स्ट इज इंसोलेंस। इंसोलेंस का मतलब होता है बदतमीजी, ठीक है? जैसे कोई बैड बिहेवियर आपके साथ करता है तो दैट इज़ कॉल्ड इंसोलेंस। नेक्स्ट इज कन्फिस्केट। कन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त करना कोई भी चीज़। जैसे आपने सुना होगा कि उसकी जमानत जब्त हो गई, तो जब्त करना, या उसकी जो लैंड थी जमीन थी वो जब्त हो गई, तो उस जब्त वर्ड जो हिंदी में जब्त होता है जो आदा ब और त, उसके लिए बोलते हैं कन्फिस्केट, ठीक है? नेक्स्ट इज एमिएबल। एमिएबल मीन्स समथिंग हु इज़ वेरी फ्रेंडली, मतलब कोई बहुत फ्रेंडली है। अगर कोई कोई भी मतलब व्यक्ति बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे ही इज़ वेरी एमिएबल एंड आई एम इम्प्रेस्ड विद हिज एमिएबल बिहेवियर, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्रीच। ब्रीच का मतलब होता है दरारें। जैसे किसी वॉल में अगर दरार आ गई तो यू कैन से दैट देर इज़ अ ब्रीच इन द वॉल, ठीक है? उसको ब्रीच बोलेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज न्यू वर्ड्स एंड डेली यूज वर्ड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।